वो इतनी सारी ई रिक्शा वगैरह लगी थी ना, तो जगह ही नहीं थी गाड़ी पार्क करने की, तो मैंने फिर इसलिए वहाँ पार्क की। तू एक काम करियो, मैं गाड़ी नीचे लगाऊंगा, मम्मी से ना टिफिन और एक पानी की बॉटल मेरे को पकड़ा दियो, मैं मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। चलो हो जाओ सवार भाई, वो रिजल्ट आया पता लगेगा क्या आया रिजल्ट। आपको तो छोड़ दिया घर पे और हम निकल लिए अपनी सेकंड मीटिंग के लिए। सिर्फ एक छोटा सा स्लाइट सा चेंज है, मीटिंग का वेन्यू चेंज हो गया। ओरिजिनली आई वाज सपोज टू गो टू जीके फॉर दिस मीटिंग, बट अब जो नया डेस्टिनेशन है वो वापस नोएडा है। तो पहली मीटिंग नोएडा में थी, वो ख़त्म करके वापस आ रहा था जीके निकलने के लिए, और अब फिर वापस नोएडा जा रहा हूँ। और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, अब रीशेड्यूल हो गई। और खाना उठा लिया है, और आज अपन जो लंच करने वाले हैं, इस लंच को ना मैंने टर्म दी है SST। SST बोले तो SST की फुल फॉर्म। सो SST की फुल फॉर्म है सस्ता सुंदर टिकाऊ। सो सस्ता सुंदर टिकाऊ मतलब कहने के लिए ये वो लंच कैटेगरी जो सबसे जल्दी बन जाता है, खाना आसान है। आप देख सकते हो यार, ड्राइव करते करते भी आई कैन हैव अ बाइट, आई कैन हैव अ सैंडविच विद अ प्रॉपर लंच, प्रॉपर टिफिन। चैलेंज होता है कहीं गाड़ी रोकता रोड साइड पे खाता गर्मी में, सो वो चैलेंज होता, बट इस लंच के साथ वो चैलेंज नहीं है। सो पनीर सैंडविच इज व्हाट आई एम हैविंग टुडे। एंड ठीक है यार, खाने के लिए कुछ चाहिए, एंड इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स अ गुड ऑप्शन। तो लंच करता हूँ, आप लोग भी आई होप या तो कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या करने वाले होंगे अपना लंच। सो यू गाइस प्लीज एंजॉय योर मील, और आपसे मुलाकात होगी शाम को घर पहुँचने के बाद। तो इस बिल्डिंग के दर्शन तो आप पहले भी कर ही चुके हो, तो आज दोबारा दर्शन कर लो, बिकॉज अपनी आज वाली मीटिंग जो है वो इसी टावर में है। सो बस अभी जाके पार्किंग ढूंढते हैं जो कि मिल जानी चाहिए, और फिर मीटिंग खत्म करके और वापस घर की ओर। चलो भाई, सेकंड मीटिंग भी खत्म हो गई और अब निकलते हैं। यार मैं क्या सोचा था, रास्ते में हीरो के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेते हैं, भाई पास हुआ है तो कुछ गिफ्ट तो दे ही देते हैं, तो देखते हैं शॉपिंग के लिए चलते हैं। यार ये पार्किंग जो है ना पूरी भूल भुलैया है। गुड, आई टुक अ पिक्चर। अभी ये क्या किया हुआ है इन्होंने, अच्छा पूरी स्मॉगिंग की हुई है। वाह, अब पहले पार्किंग ढूंढी जाए कि गाड़ी कहाँ लगाई थी। पिक्चर देखता हूँ कहाँ लगाई थी, और होपफुली याद आ जाना चाहिए कहाँ लगाई है। क्या चक्कर है, मॉल्स वॉल सब खाली पड़े हैं, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है, मतलब मैं ही निकलूँ अकेला। सरप्राइजिंगली आज अच्छा वीकडे भी है ना, बट नॉर्मली यार मतलब वीकडे वीकेंड में कोई फ़र्क रहा नहीं है, लोग जब निकलते तो निकल ही जाते हैं, बट आज सरप्राइजिंगली आई डोंट नो। तो चलो हीरो लोगों के लिए कुछ खरीदते हैं और फिर चलते हैं। भाई मम्मी लाई है तेरे लिए बंटा लेमन पी ले, इसके लिए नहीं है, बता नहीं। तेरे लिए नहीं है भाई, हो गया पास, आ गया रिजल्ट है। हाँ। अरे बोल मुंह से, अरे अरे मुझे देखो खुशी के नाते मुझे फ्री में मिल गए। फ्री में किसने दिए भाई तेरे को, रिजल्ट आया तो मुझे। अच्छा ये पानी की बोतल तो पकड़ लो, और ये लो भाई गिफ्ट पास होने का। अरे ये एक तेरा भाई, एक उसका भैया का है, देख लो किसका कौन सा है। मिट्टी एक तेरी है, ये खोल रहा है ये देख ले, ये उसकी है भाई।
हाँ ये मिट्टी की है तेरी, इसमें ये देख उठा के साइड में पटक दी जैसे मैंने बोला मिट्टी की, वो तेरी है। अरे आराम से भाई, अच्छी है, अच्छी है ना बेटे। मेरे को आइडिया है शायद साइज तेरे को आ जाएगा, हाँ फिर भी देख ले। यो वेलकम, वाह भाई बाथरूम में जाके चेंज कर रहा है, क्या बात है भाई। बताओ तो सही, स्कूल गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अरे मुद्दे की बात पे आओ, मोदी जी वाला काम मत करो, बात को ऐसे ऐसे मत घुमाओ, रिजल्ट का बताओ। मुद्दा रिजल्ट, रिजल्ट लेने ये भी ना, ये भी मोदी जी की तरह घुमा घुमा के बातें करता है। हेलो, और तू क्या ये गोल गोल बनाने में लगा हुआ मेरे भाई, हैं? ये देखो पार्टी भाई, सही है लौंडा पार्टी कर रहा है आज जबरदस्त। दिन का दूसरा पैकेट है, भाई A1 आया तो इसका नाजायज फायदा उठाओगे अब तुम, दो दो पैकेट खाओगे बस कर, खाली हो गया मेरे भाई। अच्छा छोटे छोटे से वो उसके रहते हैं, भगवान भला करे तुम्हारा, वो कहता ना कहता भगवान भला करे शुरुआत मुझसे करे। हाँ तो मिठी, भगवान भला करे शुरुआत मुझसे करे। चलो भाई अब रिजल्ट आ गया, दोनों पास, दोनों जो है ग्रेजुएट करके नेक्स्ट लेवल। सो हम पार्टी क्या मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो वी गाइज विल सेलिब्रेट हियर और आई एम श्योर आप लोग वहाँ सेलिब्रेट करोगे, तो लेट्स सेलिब्रेट एंड आई विल कैच यू टुमारो बाय। और जो हमारी स्टोरी अधूरी रह गई स्पाइस एट वाली, वो मैं कल पूरी करूँगा, आज नहीं, बिकॉज आज बहुत थक गया हूँ यार। सो आई विल कनेक्ट विद यू टुमारो। यार ऑनेस्टली बोलूँ ना, अभी पिछले कुछ दिनों से जो व्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है ना यार, मतलब क्या ही बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स। बीच बीच में कभी कभार होता है, टाइम आता है, दिन होते हैं जब यू नो यू फील कि यार नहीं यार, मतलब क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जो मर्जी बोलो, जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिएक्शंस देखता हूँ ना, तो वाकई दिल खुश हो जाता है। मतलब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये जो आप व्लॉगिंग कर रहे हो कुछ तो ठीक कर रहे हो यार, कि दैट इज़ वाई पीपल आर लविंग द कंटेंट। No matter, there are few people who are watching it, there are few people on the channel, but even all those who are there on the channel, they're liking your content, which is the most important thing. Or honestly speaking, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ यार, पिछले हफ्ते 10 दिन में जबकि फंसा भी रहा, काम में भी फंसा रहा, बट हाँ दिल करता है सामने से कि नहीं यार व्लॉग बनाना है, कुछ करना है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है। जबकि बीच बीच में कभी पहले होता था कि डीमोटिवेट हो जाते कि नहीं यार, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं। बट अभी अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, जो जिस तरीके के आपके कमेंट्स आते हैं, रिएक्शन आते हैं, दिल करता है कि नहीं यार कुछ करो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने का मतलब ये भैया व्लॉगिंग चालू रहेगी, बिंदास चालू रहेगी। बीच में कभी कभार एक आधा दिन होता है यार जब बुरा फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सेप्शन रहेंगे, बट हम लोग चालू रहेंगे, हम व्लॉग बनाते रहेंगे, हम कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे और आप सबके साथ जुड़े रहेंगे। With that, thank you so much. Bye-bye and take care. I'll see you around. See you soon. Bye-bye.